सर बात करके रिक्शा में बात करके कोई ऐसे पैदल ही कोई साइकिल से चलना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस प्रशासन उनको डंडा मारना शुरू किया। ये तो सब लोगों को मालूम है ना कि पुलिस जितने लॉकडाउन में लोग बिहारी लोग बाहर से वापस आ रहे थे उनको पुलिस मार रहा था, ये जानकारी है कि नहीं है। तो इस तरह से लोगों को डंडा मार मार के पुलिस भगाया खदेड़ा, दिल्ली के में भी इस तरह की हल्ला हुई, आपके मुंबई में स्टेशन पर किस तरह का हल्ला हुआ, बहुत तरह की तकलीफें आई, बहुत लोग फिर रेल पटरी पर चलना शुरू किए। इसका कारण क्या था कि रेल पटरी पर लोगों ने सोचा कि वहां पुलिस नहीं होती है, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि रेल पटरी पर चलने के बाद इंसान तो इंसान है, 12 घंटा चला, 14 घंटा थक गया तो फिर उसे रेल पटरी पर सो गया। अनजाने में जो मालगाड़ी आती थी वो मालगाड़ी आई और कितने लोगों को कुचल के चली गई। तो इससे क्या हुआ कि हमारे समाज के निर्दोष लोग का जान चला गया, उनका परिवार का जो भरण पोषण करने वाला था वो खत्म हो गया, किसी माताएं बहनों को रास्ते में प्रसव हो गई, उनका बच्चा डिलीवरी हुआ। तो इस तरह की असुविधाएं हमारे सरकार में काफी तरह से हुई। प्लानिंग की तरह लॉकडाउन नहीं किया गया। अगर लॉकडाउन किया भी जाता, लोगों को बताया जाता कि एक हफ्ता आप लोग रुकिए, एक हफ्ता के बाद यहाँ लॉकडाउन लगना है, जिनको जहाँ जाना है अपनी जगह चले जाए, परेशानी हमारे समाज में हमारे देश में नहीं आती। तो इस तरह की व्यवस्था है जो काफी सुधार करने की जरूरत है, जो जिसका लाभ हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं। अब जहाँ तक शिक्षा के विषय पर हमने कहा कि ये जगह जगह हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, जो हमारे समाज अभी भी प्रथा सिस्टम के अंदर है। हमारी बहू बेटी को बाहर निकलती है तो उसमें हमें लगता है कि ये सुरक्षित नहीं है, उसके लिए बहुत सारे परिवार उनके बीच में जाते हैं। अगर एग्जामिनेशन देना है, हायर एग्जामिनेशन देना, तो उसकी व्यवस्था सिर्फ मुजफ्फरपुर में होती है और मुजफ्फरपुर की दूरी यहाँ से 25 किलोमीटर है, उसके जाने के लिए उनके साथ एक गार्जियन को जाना पड़ता है। अगर यही स्कूल यही व्यवस्था हर एक प्रखंड में एक हो जाए तो लोग कितनी सहूलियत होगी, अगर वही स्कूल वही कॉलेज प्रखंड में खुल जाए तो लोगों को कितनी आराम मिलेगा। तो इस तरह शिक्षा के विषय है सीमा पहुंची हुई है। हम लोग आप लोग चप्पल पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, बनियान पहनते हैं, गमछा रखते हैं, चश्मा लगाते हैं, घड़ी पहनते हैं, साइकिल चलते हैं, मोटरसाइकिल चलते हैं, कार चलते हैं, सारी सुविधा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे समाज में। कोई किसी चीज कोई कमी तो नहीं रहती है, जिसको जितना जरूरत है सब खरीद के लेता है ना। वो एक समस्या है कि लोग कहते हैं कि बड़े लोग ही टैक्स पेमेंट करते हैं, ये बड़ा इंडस्ट्री वाला है या बड़ा धन वाला है वही लोगों को सरकार को टैक्स देता है, ऐसा नहीं है। यहाँ के बच्चा बच्चा नागरिक जो है टैक्स देता है, अगर वो 10 रुपए कोलगेट में खरीदता है तो उसमें टैक्स लगा हुआ है। तो टैक्स दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो हरेक समाज के जो लोग हैं जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें टैक्स लगा हुआ है और सरकार इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज तो कहीं ना कहीं से आती है ना, हमारी बिहार सरकार में खरीद होती है ना, खरीद होती है तभी बेचता है, दूसरे राज्य वाले बनाते हैं और यहाँ करके इस चीजों को बेचते हैं। अगर इन सारों चीजों का उत्पादन हमारे राज्य में शुरू हो जाए तो अच्छा होगा कि खराब होगा? अच्छा होगा। तो इसको बनाने के लिए हमारी सरकार अगर आती है तो हम जगह जगह जितने भी मरुभूमि जमीन है उसमें फैक्ट्री का एरिया घोषित कर देंगे, यानी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना देंगे, और इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने के साथ साथ उसमें सिंगल विंडो का व्यवस्था रखेंगे। सिंगल विंडो का मतलब ये होता है कि एक ही रूम के अंदर में सारे पदाधिकारी बैठेंगे, उसमें बिजली वाले हो, पोल्यूशन वाले हो, फैक्ट्री लाइसेंस वाले हो और बैंक वाले हो, वो एक ही जगह पर सारे व्यवस्था रहेगी, उनको सारे चीज की सुविधा एक ही साथ दे दी जाएगी। कोई फैक्ट्री लगाने के लिए कोई कहेगा मैं छोटा कम ही बनाने का फैक्ट्री लगाता, वो उसमें मालिक 25 लाख रुपए की लागत है। एक प्रपोजल बनता है फैक्ट्री में बनाने के लिए, एक प्रपोजल दिया जाएगा और उनको प्लॉट अलॉट है तो कोई कलेक्टर सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 25 लाख रुपया सरकार उसको दे देगी। एक ही कमरे में बैठा हुआ जितने लोग हैं, कोई कहेगा हमको कमीज बनाने की फैक्ट्री लगानी है तो कमीज बनाने का लाइसेंस उनको दे दिया जाएगा, वो कमीज बनाएंगे। कोई कहेगा हमको जूता बनाने की इच्छा है तो जूता बनाने के कारखाना वो खोल लेगा। किसी को मन करेगा कि हमको चप्पल बनाने की जरूरत है, मन है तो चप्पल बनाने की फैक्ट्री खोल लेगा। किसी को कहेगा कि हमको तेल बनाने की फैक्ट्री है तो तेल बनाने की मशीन लगा लेगा। मतलब जितने भी हमारे वस्तुएं हैं इन सब चीज की फैक्ट्री अगर लग जाती है, और सब चीज की बिक्री तो यहाँ हो ही रही है, तो बिक्री की कोई समस्या तो नहीं, और
हमारे हर एक फैक्ट्री में तस्वीर का लगेगा। अगर इतने जितने भी चीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे यहाँ पर फैक्ट्री लग जाता है, तो आप बताइए यहाँ बेरोजगारी की समस्या रहेगी क्या? एक फैक्ट्री में अगर 10-10 आदमी भी काम करते हैं तो इतने तरह की फैक्ट्री लग जाएगी, सुई से लेकर फैक्ट्री लग जाती है। तो यहाँ तो ये हाल हो जाएगा कि बिहार के लोग आज फैक्ट्री से बाहर काम करने जाते हैं, फैक्ट्री में हालात ये हो जाएगा कि बाहर के लोग बिहार में आने के लिए काम करने के लिए इच्छुक हो जाएंगे। ऐसा बिहार हम लोग बनाना चाहते हैं जिसमें कि आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। उसमें ना किसी साधन की जरूरत है, ना किसी को पूंजी लगाने की जरूरत है। आप लोग कहेंगे कि हम फैक्ट्री कैसे चला लेंगे, भाई इंस्पेक्टर बताएगा कि आप इस चीज की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, इसके लिए एक मशीन की जरूरत है, ये मशीन आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। पैसे की कोई समस्या नहीं होगी, बैंक आपको तुरंत पैसा दे देगा, लाइसेंस आपको दे देगा। फिर तकलीफ क्या है फैक्ट्री लगाने में? कोई तकलीफ ही नहीं है, ना कहीं को किसी से इकट्ठा जुड़ना है, ना कहीं से कुछ मांगना है। इतनी फैक्ट्रियां लग जाएगी कि यहाँ रोजगार के बाहर के लोग काम करने के लिए मंगाना पड़ेगा। आप इन सब विचारों से सहमत है कि नहीं है? आप लोग सब सहमत है ना? हमारे नौजवान जितने भी हैं इस सब विचार से सहमत है ना? चलिए, कोई इस तरह की फैक्ट्री लग जाएगी, किसी को कोई बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। अब हम लगाते हैं करप्शन, जो हमारे समाज में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसके ऊपर आते हैं। तो हमारे समाज में जड़ से लेकर ऊपर तक करप्शन ही करप्शन भरा पड़ा है। एक छोटा सा मिसाल आप लोगों को देता हूँ कि हरेक परिवार में, जो बड़े से छोटे परिवार है उनके घर में बेटा पोता पैदा होता ही है, बेटी हो या बेटा हो पैदा तो होता ही है ना। वो पैदा हुआ उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप कहाँ जाएंगे? ब्लॉक में जाएंगे। अब ब्लॉक के पदाधिकारी जो हैं इस तरह से 3-4-5 दिन तस्वीर तो ऐसे घुमा देंगे लोग को, आज जो है कंप्यूटर खराब है, आज सर्वर डाउन है, आज बड़े साहब का काम आया हुआ है, उस काम को निपटा लेंगे, फिर आपके काम को सुनेंगे। इस तरह से 10-15 दिन आदमी घूम करके परेशान हो जाता है। फिर वो कर्मचारी कहते हैं अच्छा ठीक है आपका काम हम कर देंगे, इसके लिए आपको कुछ खर्चा लगेगा, ये नहीं कहेंगे घूस लगेगा, कुछ खर्चा लगेगा। तब आदमी मजबूर हो जाए 15 दिन चक्कर काट करके, भाई क्या खर्चा लगेगा? वो फिर हाथ जोड़ का हुजूर बताया जाए ना क्या खर्चा लगेगा, तो कहेंगे 2,000 रुपया इसमें कागज निकालने में खर्चा लगेगा, जबकि एक पैसे का खर्चा कागज निकालने में नहीं है, ये सब सरकारी व्यवस्था है। अगर आप 2,000 रुपया उनको दे देते हैं तो 10-15 दिन के बाद आपको कागज बुला करके दे देंगे। तो इस तरह से एक छोटा सा सर्टिफिकेट लेने में एक इंसान का 15 दिन चक्कर लगाया तो 200 रुपया एक मजदूर कम से कम कमाता है दिन में, तो 15 दिन चक्कर लगाया तो 3,000 रुपया उसको नुकसान हुआ और 2,000 रुपया घुस दिया, तो 5,000 रुपया का नुकसान लेके एक अपना जो बच्चा है हमारा जिसका कोई सर्टिफिकेट लेने के बर्थ प्रमाण पत्र लेने के लिए 5,000 रुपया का खर्चा करना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे कागज है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र है, दस्तावेज छुड़ाना है, मलगुजारी कटवाना है, सारे में रिश्वत भरे पड़े। ये तो एक ब्लॉक लेवल की बात कहा हूं। अब मंत्री लेवल की बात बताता हूं आपको। हर एक साल जो है हमारे समाज में क्या होता है, एक बाढ़ आता है। बाढ़ का जो खर्चा है ये करोड़ों के अरबों रुपए में लोग सहायता के रूप में खर्च करते हैं, जिसका की फंडिंग केंद्र सरकार से भी आता है। बाढ़ को रोका जा सकता है, अगर मजबूत बांध बढ़ा दिया जाए तो बाढ़ क्यों आएगा, ये तो पता है, हर साल है, ये एक दिन की कहानी तो है नहीं। बाढ़ से कितने समाज में नुकसान हुआ है, कितने लोग कलप रहे हैं, किसानों का जो 10-10 एकड़ धान बोया है सब बर्बाद हो गया। तो बाढ़ इन लोगों का इनकम का एक पेशा है, जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनको कमाई का जरिया है, इसलिए वो बाढ़ को मजबूती से बांधते नहीं है। तो अगर बांध बांध देंगे बाढ़ टूटेगा नहीं तो उनका कमाई कैसे होगा? तो ये बाढ़ जो है ये बनी बनाई कहानी है। ये ऊपर की जो मंत्री है, संतरी जो हमारे मुख्यमंत्री है, जो भी विभाग के मंत्री है, सबकी मिली भगत है। इसमें अरबों करोड़ों रुपए का गमन होता है और बाढ़ में कोई आपदा में जो पैसा खर्च होता है उसका कोई लेखा जोखा भी नहीं होता। तो इस तरह ऊपर से लेके नीचे तक हमारा करप्शन जो है बड़ा बड़ा। अब जो दो बातें मैं कह रहा हूं, इलेक्शन के संबंधित बातें कह रहा हूं, अभी तक किसी भी दल का नेता आप लोग के सामने खुल के नहीं आए कि मुझे टिकट मिल गई या मिलने की उम्मीद है, ऐसा है? आप लोग जानते हैं क्या किसी दल का नेता आपको बताया कि हमें टिकट अभी तक कंफर्म हो गया है? नहीं बताया ना, उसका कारण है।
कि यहाँ पर टिकट जो है ना दी नहीं जाती है, यहाँ टिकट बेची जाती है। इन्होंने 4 करोड़ दिया, इन्होंने 5 करोड़ दिया, इन्होंने 6 करोड़ दिया, 8 करोड़ दिया, इन्होंने 7 करोड़ दिया। तो जो 8 करोड़ दिया, चाहे वो इस लायक पद के लायक हो या ना हो, वो करप्शन से रिलेटेड हो या शरीर से अपंग हो या स्वास्थ्य से अपंग हो, टिकट उन्हीं को मिल जाए, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगाई। अब उसका नतीजा क्या होता है कि वो 8 करोड़ या 7 करोड़ या 5 करोड़ लगा के टिकट खरीदे, इलेक्शन फाइट करने में 2-4-5 करोड़ खर्चा किया, तो मोटामोटी 10 करोड़ का खर्चा हो गया। अब जो भी कोई नेता बन के जाएंगे गद्दी पर, तो उनका उद्देश्य होगा कि सबसे पहले हम 10 करोड़ रुपया अपना पूंजी जो लगाया है वो क्या करें, निकाले, किसी तरह अपने पूंजी को निकाल के अपने पास लाए। उसका फल क्या होता है, वो पैसा आएगा कहां से, तो वो पैसा जो है जो सड़क बनने के लिए टेंडर पास होता है या जो कोई बांध बांधने के लिए टेंडर पास होता है, उसमें क्या है, ये ठेकेदार नहीं है, नरेश जी ठेकेदार नहीं है, लेकिन ठेका नरेश जी को ठेकेदार बना दिया कागजों में कि नरेश जी है बहुत बड़ा ठेकेदार है, इसके नाम टेंडर पास कर दिया। अब 5 करोड़ का टेंडर पास कर दिया, तो 5 करोड़ रुपया तो आजकल नियम है कि खाते में ही आएगा, वो रुपया नरेश के खाते में आ गया। अब नरेश कहेगा जब तक नरेश दस्तखत नहीं करा पैसा निकासी नहीं होगा, तो नरेश को पहले से समझा बुझा के कहा जाता है कि तुम्हारे नाम ठेका खोलेंगे और तुम ठेकेदार बनना, पैसा जो आएगा उसमें से 1-2 लाख रुपए तुमको भी दे देंगे। गरीब इंसान होता लाल से मारे फंस जाता है, कहता ठीक है 2 लाख रुपया तुम्हारा है, हमारा नाम ही न जा रहा है और क्या भी कर रहा है। वो 1 करोड़ रुपया है खाते में, इन्होंने दस्तखत किया, रुपया निकल गया, 1 लाख रुपया नरेश जी को दे दिया गया या 2 लाख रुपया नरेश जी को दे दिया गया, 99 लाख रुपया नेताजी के जेब में चला। वो इस तरह से जितना उन्होंने पैसा खर्चा किया उसको पैसा इस तरह से निकाल लेते हैं। जो किसका पैसा होता है, आप लोगों का, समाज का, सबका पैसा होता है, जो आपके हक का पैसा होता है वो पहले ही खत्म हो जाता है, तो आप लोग फायदा क्या पूछेगा। तो इस तरह इन लोगों की व्यवस्था है, हमारे पार्टी में ये व्यवस्था नहीं है, इसीलिए मार्च महीने में कह दिया गया कि आपको हम वहां लड़ने के लिए भेज रहे हैं, विधायक के तौर पर काम करने के लिए भेज रहे हैं, आप लड़िए, जाइए चुनाव लड़िए। और ना हमने कोई 1 करोड़ रुपया वहाँ दिया है, ना हमको 1 करोड़ रुपया सरकारी बैंक से निकालना है। तो आप लोगों को ऐसा नेता चाहिए या वैसा नेता चाहिए? ऐसा ही नेता चाहिए जी। चलिए, तो इस तरह की व्यवस्था हमारे समाज में कुरीति और करप्शन भरा पड़ा है। अब रही जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कुछ नेताओं का लोग होता है, गरीब लोग है, परिवार में है, उनको घर घर जाके 1,000 रुपया 500 रुपया रात के समय पहुंचाना होता है, शराब का एक बोतल पहुंचाना होता है, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ लालच दे के उनको लुभाना होता है। ये परंपरा है कि नहीं है? है ना। लेकिन हम आप लोगों को कह रहे हैं कि ये परंपरा जो आप लोगों को जो ऐसा कह रहा है, आपके अधिकार का हनन कर रहा है, आपके जीवन पर चाकू चला रहा है, इस तरह की व्यवस्था में लालच में आप लोग ना फंसे। अगर वो 1,000 रुपया देता है तो सबका क्या भला हो जाएगा? कुछ भला नहीं होगा। अगर आप एक दिन महीने में परिवार का कोई भी पास पेपर है, कोई बीमार होता है, उसको फ्री में इलाज होता है, 1 आदमी का 1,000 अगर इलाज में खर्चा होता है तो 5 परिवार है तो 5,000 का खर्चा हुआ, 12 महीने में 7,000 की बचत आपकी होती है। 1,000 के चक्कर में या 2,000 के चक्कर में आप लोग अपने जीवन में धोखा मत खाइए, वोट अपने हिसाब से डालिए, ये नहीं मैं कहता हूँ मुझे डालिए, आपको जो समझ है उसको वोट डालिए, वो इस तरह से धोखा में नहीं रहिए। समाज अब सजग हो गया, समाज को पढ़ाई लिखाई की समझ आ गई है, हर जगह लोग के घर में टेलीविजन लगा हुआ है, मीडिया लगा हुआ है, खबर है, और सबसे बड़ा मीडिया, सबसे ज्यादा मीडिया मोबाइल है, मोबाइल छोटे से बड़े हर एक परिवार में लगभग लगभग है, तो आप लोग मोबाइल देखते हैं तो आप लोग सबकी जानकारी होती है। इसी विषय पर मैं कहना चाहूंगा, 7 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन था, 7 फरवरी को इलेक्शन था, तो 6 फरवरी के रात में पूरे भारत पर जो है मंडावली इलाके में जमा हो गया, और उनका उद्देश्य था कि मनीष सिसोदिया को हराना है, जो हमारे मोदी कैबिनेट की सरकार है, उनका उद्देश्य था हमने मनीष सिसोदिया को हराना है, किसी तालक में लगा के हराना है, जिससे पूरा देश के जितने भी आईएएस आईपीएस जितने इनके मंत्री थे, जितने इनके एमएलए थे, जिस राज्य में इनका सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री सबको बुलाया गया, तो सबको जो है बुलाया गया, और बुला करके
कहा था कि उनका मनीष सिसोदिया को हरा दो, मनीष सिसोदिया हराने से कहा, मनीष सिसोदिया वहाँ के शिक्षा मंत्री है और काफी सारे उप मुख्यमंत्री भी है, वो अगर हार जाते हैं तो आम आदमी पार्टी का सरकार को हम गिरा दें। इस तरह की सोच और समझ के लेकर के उस रात में 6 तारीख के रात में दिल्ली में कम से कम 10 करोड़ रुपया बांटा गया और पूरा देश एक तरफ हो गया, पूरा देश खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी लोगों ने पैसा भी लिया, आनंद भी किया, सलाम भी किया, लेकिन वोट जो है मनीष सिसोदिया जी को दिया गया और मनीष सिसोदिया जी अच्छे बहुमत से जीते। ये आपको ये लोग एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 10 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी पूरा भारतवर्ष जिसके विपक्ष में खड़ा है लेकिन जनता जिसको चाह उसको जिता करके रहा। तो जनता सर्वोपरि होता है, जनता से ऊपर कुछ नहीं चाहे होता है, जनता चाहे तो मोदी सरकार को भी गिरा सकता है। छोटा से छोटा सरकार तो क्या, नीतीश जी क्या है, दुनिया क्या है, मोदी सरकार को भी जनता चाहे तो जनता से ऊपर कुछ नहीं गिरा सकता है। तो इस तरह आप लोग धोखे में नहीं रहिएगा, अपनी व्यवस्था को अपनी पहचान को बनाए रखिएगा और इस तरह से धोखा से आप लोग बचिएगा। अब रही बात हम जब जीत के आएंगे या नहीं आएंगे तो अभी भविष्य ही बताएगा, आप लोग के हाथों में है। तो यहाँ पर जितनी व्यवस्था है हमारी चेष्टा रहेगी हम हरेक व्यवस्था में सुधार लाएंगे, हरेक इंसान का जीवन जो है सुख में गुजरे, वो हम कोई एहसान नहीं करने वाले। कोई भी जो जीत के आता है एहसान नहीं करता है, वो क्या है, आपका अधिकार है। आपका अधिकार अगर आपको मिल जाता है तो इससे ज्यादा बढ़िया क्या है, अधिकार आपको मिल गया, आप अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सारी सहूलियतें मिलेगी। एक और भी बातें बता, हमारी सरकार आती है तो यहाँ पर जो है पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलता है इसमें से किसी को भी, किसी को मिल रहा है, कितना मिल रहा है, यहाँ 400 रुपए वृद्धा पेंशन मिल रहा है और हमारे दिल्ली में जो है 4000 रुपया मिल रहा है, कितना गुना ज्यादा हुआ, 10 गुना ज्यादा है। अगर एक परिवार में एक वृद्ध है, एक उनकी वाइफ है, एक खुद है तो 8000 रुपया मिलता है। 8000 रुपया मिलने से मुझे नहीं लगता है जिनका अपना घर हो या छोटा सा परिवार हो तो परिवार का गुजारा आराम से चलेगा, उनको किसी पर उनका बेटा उनको मदद करे या ना करे लेकिन उनकी जिंदगी में किसी तरह की तकलीफ नहीं महसूस होगी। तो ऐसी सरकार चाहिए आप लोगों को या अभी जो चल रही है ऐसी सरकार चाहिए, दिल्ली सरकार चाहिए, दिल्ली सरकार चाहिए। तो इसलिए के आप लोग अपने विचार करके अपने मत का हमें नहीं कहते हमें वोट दीजिएगा, अपने अधिकार को सूझबूझ के साथ समझ के साथ अपने मत का प्रदान कीजिएगा, मतदान कीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। जय माता की, जय भारत वर्ष की, जय अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, भारत माता की।